तो गाइस देख सकते हैं पूरा ट्रैक। जाएगा तो चलिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए बहुत ज्यादा मजा आने वाले वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। चलिए तो चलते हैं। तो गाइस चल चुके हैं हम यहाँ से, तो चलिए मैं थोड़ा आपको रहस्य खोल देता हूँ क्योंकि अब तो पहुंचने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं हिडन वाटरफॉल जिसका नाम है पटना वाटरफॉल। तो देखना गाइस कैसे व्यू होने वाले। देखिए अभी से ही नज़ारे कितने अच्छे आ चुके हैं, चारों तरफ ग्रीनरी। तो अब नीचे उतर रहे हैं हम और सामने देखिए कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। तो ऐसे लोकेशन समझ नहीं आ रही क्योंकि ये हिडन प्लेस है, तो लोकल को भी इतना नहीं पता क्योंकि मैप में तो 270 मीटर दिखा रहा है और अभी एक दूसरे फ़ोन में दिखा था मैंने अपने वाले में, तो उसमें दिखा रहा था 900 मीटर। और मौसम एक नंबर हो रहा है गाइस, सुबह का टाइम है भाई। पटना वाटरफॉल जाना है 2 किलोमीटर। तो गाइज यहाँ पे अभी हमने पूछा है भाई से, तो 2 किलोमीटर बता रहे हैं। देखिए यहाँ से नीलकंठ है 17 और हरिद्वार 40, राइट को तो हमें लेफ्ट को मुड़ना है। और ये है नीलकंठ ब्रिज, देखिए जो कि काफ़ी सुंदर है, साइड में से गंगा जी दिख रही है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो देखिए गाइज इतना तगड़ा भाव है और राफ्टिंग करते हुए आ रहे हैं। देख कितनी ऊपर, देख कितने कैसे धस जा नीचे, पानी ऊपर आ रहा है सारा। कितनी प्यारी लोकेशन है, राफ्टिंग कर रहे हैं। मेरा तो बहुत मन कर रहा है राफ्ट करने का क्योंकि मैंने काफ़ी साल पहले की थी, जब तो बच्चा था ही था मैं। तो दीपांशु बट डर रहा है, बट जब कहते हैं ना, मैंने भी घर पे फ़ोन करके पूछा कि मम्मी कर लूँ, मम्मी ने साफ मना कर दिया कि तुझे मेरी कसम है कर मत लियो, तो स्किप करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट। तो गाइस देखिए यहाँ पे बाइक के पैसे कटवाने पड़ रहे हैं,
तो 2.5 किलोमीटर बताया यहाँ से, तो 20 रुपये पर्ची कटवानी पड़ेगी बाइक की, कटवाते हैं और चलते हैं। तो देखिए गाइस नज़ारे साइड में, वाओ गंगा जी, और देखिए अब पूरी फीलिंग आ रही है जैसे मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, केदारनाथ वाली रोड जो उस साइड है वो है, वहाँ से जाते हैं केदारनाथ। तो इस साल अभी टाइम बाकी है तो केदारनाथ का भी ट्रिप लग सकता है, भोले बाबा ने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। केदार बद्री अगर मैं गया तो मैं जाऊँगा सारी जगह इस बार। तो गाइस यहाँ पे कुछ पीपल कोटी नाम का गांव पड़ता है, तो वो 12 किलोमीटर दिखा रहा है, पर हमें तो पहले ही कट हो जाएगा हमारा पटना के लिए। तो गाइस देखिए ऐसा लग रहा है इसकी बिल्कुल नीचे जाना हो, रोड ख़त्म हो रही है पर राइट को मुड़ना है, पर नीचे ही जाते जा रहे हैं। आई थिंक एकदम अब चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 1 किलोमीटर ट्रैक है, तो मज़ा आने वाला है, वीडियो में ट्रैकिंग भी हो जाएगी, अभी तक हमने कोई भी ट्रैकिंग नहीं की है। तो गाइस आ चुके हैं, मैं सही कह रहा था, दीपांशु वगैरह आगे। ओ भाई बहुत तगड़ी ट्रैकिंग मिलने वाली है, अभी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए कितना खतरनाक ट्रैक है, तो पूरा 1 किलोमीटर तक है, मज़ा आने वाला है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं पटना वाटरफॉल, देखे तो यहाँ पे साइन लिखा है पटना फॉल, तो ये रहा अपना दीपांशु। तो गाइस देखे ट्रैक स्टार्ट करना होगा, अब यहाँ से हमारा पूरा ट्रैक है, तो ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। और वो खड़ी कर दी हमने लाल परी, तो आपको दिख रही होगी, देखे वो लाल परी। चलिए तो चलते हैं ऊपर, देखे वहाँ पे बाइक वाइक खड़ी कर दी थी हमने, तो यहाँ आ रहे हैं। तो अभी काफी देखे बहुत खतरनाक, बिल्कुल मतलब ट्रैक है ही नहीं कुछ, बिल्कुल टूटा फूटा रास्ता है, तो इस पे से सारे हमें जाना होगा। तो हम सोच रहे हैं कपड़े चेंज कर लेते हैं, जींस वींस पहन रखी। तो दीपांशु का फोन गुम हो चुका है, अब या तो हमने जो स्टार्टिंग में स्कूटी के वहाँ कपड़े वपड़े चेंज करे थे, दीपांशु का फोन वहाँ गिर गया था, तो वो कह रहा है शायद उसने उठा के स्कूटी पे रखा छोड़ दिया था, वहाँ पे किसी और की स्कूटी थी, तो अभी वो देखने गए नीचे, बताओ आधा ट्रैक हम कर चुके थे और ऐसा हादसा हो गया।
चलो ये सही वैसे अभी पता लग गया, अब दीपांशु नीचे देखने गया, पता नहीं मिलेगा नहीं, आई होप मिल जाए, नहीं तो ट्रिप बेकार हो जाएगी, फिर मन भी नहीं करने का ऊपर जाने का। देखते हैं क्या होता है, देखता हूँ मैं कॉल करके, कॉल भी नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसी लोकेशन है, पूरा जंगल ही जंगल है पहाड़ में बिल्कुल, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहे, तो ट्राई कर रहा हूँ मैं एक दो बार कॉल मारने की उसे, तो देखते हैं क्या होगा फिर। देखे दीपांशु आ चुका है, हालत खराब होगी उसकी मैं समझ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तक आने में पहले ही हो गई थी, वो फिर नीचे जाके आ चुका है और फोन पर्पल नहीं देखा है अभी, मिला ही नहीं क्या नीचे सच में, तो यार केस हो चुका है समझ नहीं आ रहा। अब बैग चेक करते हैं अच्छे से, देखें तो गाइस क्या कहना चाहोगे तो देखिए अपने निक्कर चेंज करे थे, भाई ने फोन गिरा था उसने अपने ट्राउजर में रखा छोड़ दिया, अभी ट्राउजर की जेब से निकला है फोन हालत देख सकते हो क्या भाई साहब, इतनी बुरी हालत पर चलिए कोई नहीं, थक गए रेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, पर ये अच्छी बात है फोन मिल गया, नहीं तो बहुत ही बुरा होने वाला था, मतलब मजा नहीं आता ट्रिप में इस टाइम। चलिए गाइस अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा वो ट्रैक बचा है मुश्किल से 400-500 मीटर, तो ऊपर चल के दिखाते हैं ऊपर के नजारे। आगे आ चुके हैं हम काफी जहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे थे, तो देखिए ऐसा ट्रैक है, तो यहाँ पे एक बार और रेस्ट कर रहे हैं दीपांशु को क्योंकि ज्यादा थकान हो रही है, और सच बताऊं मैं तो यहीं पे खड़ा था, मैं तो वापस नहीं गया, मुझे भी बहुत ज्यादा थकान हो रही है क्योंकि चढ़ाई बहुत ही ज्यादा खड़ी है और ऊपर से टूटा हुआ ट्रैक है, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है चढ़ने के लिए। तो गाइस देखे कितना तगड़ा पैच था, थक चुके हैं फिर बैठ गए, बुरी हालत, मतलब ट्रैक इतना हार्ड नहीं है पर हमारे साथ सामान वामान भी है ना, तो अगर आपके पास 2-3 किलो वेट है और आदत नहीं है तो वो भी बहुत ज्यादा लगने लगता है ऐसे रास्तों पे। यहाँ चुके हम, ये लिखा वाटरफॉल 100 मीटर एक रास्ते जा रहा था, तो आप अगर यहाँ आए तो ये बोर्ड देख लेना, चलिए चलते हैं। आ चुके हैं पर ये रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत संभल के चलना होगा क्योंकि इसी से ही पानी आ रहा है, अबे क्रॉसिंग दी है तो देखिए कैसा रास्ता है, चिकना टेरिस पे तो बहुत। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं पटना वाटरफॉल, तो लास्ट का पैच था बिल्कुल ये, जब अभी मैं दिखा रहा था इतना खतरनाक, यहाँ पे उतरते हुए बहुत हालत खराब होने वाली है क्योंकि चढ़ते हुए इतनी फिसलन थी वहां पे, तो दिखाता हूँ कैसा है अपना। देखे ये रहा पटना वाटरफॉल, तो आप सोच रहे होंगे बस यही है, रियल दिखाता हूँ।
तो गाइस एक ऑमलेट भी लगवाई हमने, तो पहले इसे फिनिश करते हैं फिर ऑमलेट खाएंगे। तो गाइज नहा चुके हैं हम पटना वाटरफॉल में, तो कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए, तो अब नीचे चलते हैं। और देख सकते हैं आप अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शूट चल रहा है प्री वेडिंग का, तो चलते हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक आ चुकी है। देखिए काफी क्राउड आ चुका है, जब हम आए थे जब काफी कम लोग थे, तो चलते हैं हम नीचे। हम चल चुके हैं और देखिए मेन वहां पे, और यहाँ पे भी नहा सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए कितनी पब्लिक नहा रही है। चलिए तो बाय बाय कर देते हैं पटना वाटरफॉल को और चलते हैं, वो जा रहा अपना दे भाई दे पांचो पुया। देखिए आ चुका है वो, मैं तो यहीं रपटी का सबसे खतरनाक रास्ता, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा काई सी जम रही है इस पे, तो बहुत आराम आराम से उतरना पड़ेगा। तो इस टाइम में थोड़ा व्लॉगिंग नहीं कर रहा, पकड़ पकड़ के उतरते आराम से, ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस यहाँ से उतर चुके हैं हम, तो देखिए आपको इतना खतरनाक नहीं लग रहा होगा पर यहाँ बहुत ही ज्यादा फिसलन है और बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो चलिए अभी क्रॉस करते हैं, और चलिए सबसे हार्ड पार्ट था जो हमारी इस ट्रैक का, तो वो हमने कवर कर लिया है, अब चलते हैं आराम आराम से, क्योंकि आगे बस अब नीचे खड़ी मतलब चढ़ाई रहेगी जो उतरने वाली रहेगी। अरे कहना क्या चाहते हो, पर चिकनाहट नहीं मिलने की पानी, क्योंकि यहीं इसी पोर्शन में था और ये सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई भी थी, छोटी छोटी पैड़ियां सी थी, बस एक एक स्टेप दे के रखना पड़ रहा था। तो चलते हैं अब। नीचे आ चुके हैं हम, लगभग हमने 80% रास्ता कवर कर लिया है। देखिए स्टार्टिंग में जो आपको ये पानी दिख रहा था यहाँ पे, आ चुके हैं वो राधी पांचो। तो एक तो मैंने ये फुल बाजू की टी शर्ट के ऊपर शर्ट डाल लिया, तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, देख सकते हैं आप हालत, पसीने ही पसीना हो चुका हूँ। और देखिए कितना अच्छा नजारा आ चुका है सामने। तो देखिए गाइस ये रही एक वाटर क्रॉसिंग, इसके बाद एक और आई दिखते थे पहले से। तो गाइज आ चुके हैं वो खड़ी अपनी लाल परी। तो गाइज आने में मुश्किल से हमें 10 मिनट लगी और जाने में हमें लग गया था लगभग आधा घंटा। तो लगभग पूरा ये ट्रैक 1 किलोमीटर का है, बट बहुत ज्यादा टूटा फूटा है तो मैंने आपको दिखाई दिया वो। तो
तो ये वीडियो इसके साथ होती है यहीं पे खत्म। आप कमेंट्स में जरूर बताना आपको पटना वाटरफॉल कैसा लगा, और इस तरह की वीडियो देने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करे लाइक। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, ओके बाय, लाइक प्लीज।